तो गाइस हम लाचीन पहुंच गए हैं, होटल में है इस वक्त। आपको एक बार प्रॉपर आपको रूम दिखा देता हूँ, कैसी यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं वो दिखा देता हूँ। रूम मिल गया, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। पहले ये है रूम, डबल बेड है, यहाँ पे टीवी तो नहीं है यहाँ, और ये कुछ रूम है। लगेज हमारा आ गया है, और वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं पहले आपको यहाँ का। ये है वॉशरूम, वॉशरूम में गीजर वगैरह की फैसिलिटी है, डिसेंट साइज है वॉशरूम का। रूम से एक व्यू देखने के लिए मिलता है, वो व्यू दिखाते हैं आपको। घंटा व्यू दिखेगा, लाइट ही नहीं है लाचीन में आज। तो अभी नहीं दिखेगा, लाचीन में लाइट का बड़ा इशू रहता है। एक्चुअली पूरे नॉर्थ सिक्किम में लाइट का इशू होता है। दिन में मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत अल्टीमेट व्यू रहेगा। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर होटल की रसोई है। चाय वगैरह पियेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ की किचन दिखाते हैं कि किचन कैसी और क्या क्या खाने में अभी बन रहा है। यहाँ बैठ के हम लोग खाना खाएंगे, चलिए किचन में चलते हैं। इसको बोलते हैं बोकरी, जैसा हमने लद्दाख खाई। बोकरी बोकरी होता है, बोकरी बोलता है, लोकल सब्जी बनाते हैं। हाँ, सिक्किम का ट्रेडिशनल फूड। हाँ जी जी। तो हम लोग लाचीन पहुंच गए, रूम भी मिल गया, होटल मिल गया, अभी चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। रूम टूर आपको हमने करा दिया, और आज नाइट स्टे यहीं पे करेंगे, कल निकलेंगे आगे गुरुदोमगढ़ लेक के लिए। और ये जो पैकेज हमने लिया है, ये लिया है आराध्या टूरिज्म से। अगर आप भी इसी तरह से पैकेज लेना चाहते हैं, नॉर्थ सिक्किम ईस्ट सिक्किम को कवर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप बुक कर सकते हैं। तो गाइज डिनर रेडी हो गया है, खबर नीचे से आ गई है कि डिनर करने आ जाइए। तो चलते हैं डिनर करने, और दिखाते हैं आपको यहाँ का ट्रेडिशनल फूड या जो भी मिलने वाला है आज डिनर में, वो हम आपको दिखाएंगे। चले चलिए जी, चलते हैं डिनर करने। ये यहाँ का कैलेंडर, स्पेशल बुद्धिस्ट कैलेंडर फॉर तिब्बत एंड वाटर टाइगर न्यू ईयर। तो फूड हमारा रेडी हो गया है, ये यूज होने के लिए। आलू भुजिया और ये किस चीज की सब्जी है? हरिया सब्जी, हमारा इधर साग, लोकल साग। लोकल साग, ओके। और ये दाल, ये दाल। तो फूड हमारा आ गया है, ये दाल है, ये यहाँ क्या लोकल साग है, और ये आलू की सब्जी है, रोटियाँ हैं, सलाद है, और चावल भी आ जाएगा। टेस्ट अलग है क्योंकि यहाँ के मसाले अलग है, इसलिए यहाँ पर और इनकी प्रिपरेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लोकल अचार, लोकल अचार, ओके। ये है लोकल यहाँ का अचार। डिनर रेडी हो गया है, डिनर करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। अब आज रात यहाँ स्टे करेंगे, कल सुबह निकल जाएंगे लाचीन से गुरुदोमगढ़ लेक के लिए, थांगू वैली के लिए, और दूसरे कुछ साइट्स हैं जहाँ हम विजिट करेंगे, वो सारे साइट्स आपको दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार ये आगे की सीरीज रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइव अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज एक फ्रेश व्लॉग में स्वागत है आपका। रात हम लाचीन में रुके थे, और आज हम लोग का प्रोग्राम है कि हम लोग यहाँ से गुरुदोमगढ़ लेक के लिए निकलेंगे, जो 17,800 फीट की ऊंचाई पर है और दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश पानी की झील है। वहाँ हम लोग जाएंगे, बहुत खूबसूरत जर्नी रहेगी, बहुत खूबसूरत वो जगह है जो हम आपको इस एपिसोड में दिखाएंगे। रूम टूर मैंने आपको पिछले एपिसोड में करा दिया था, और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा जिस रूम में हम रुके हैं, बहुत खूबसूरत ये रूम है। और इसके अलावा आप हमारी लाइव अपडेट इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्यू दिखाते हैं आपको रूम से बाहर का, चलिए जी रूम से व्यू दिखा दें आपको।
ये है लाचीन, ये सब होटल्स लाचीन के। और नीचे हमारी स्कॉर्पियो खड़ी है, निकलने के लिए रेडी है हम लोग। और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, आज मौसम थोड़ा साफ लग रहा है, लग रहा है कि शायद बारिश नहीं होगी, होप सो ऐसा हो। गाड़ियां निकलना शुरू हो गई हैं लाचीन से आगे की ओर, तो जल्दी से हम लोग भी निकलते हैं यहाँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है लाचीन से गुरु डोंगमर लेक के लिए, क्योंकि 65 किलोमीटर है, तो वापस भी आना होता है। और वापस हम लोग यहाँ से लाचुंग निकल जाएंगे डायरेक्ट। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो हर होटल के ऊपर आपको छत पर ये फ्लैग दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, बुद्धिज्म का प्रतीक है, मतलब यहाँ बुद्धिस्ट कल्चर को, बुद्धिस्ट कल्चर को ये फॉलो करते हैं यहाँ पर सभी। और ऊपर देखिए पहाड़ों पर, चोटियों पर जबरदस्त बर्फ दिखाई दे रही है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे और अच्छी खासी बर्फ आपको देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल है ये पूरा व्यू लाचीन का, काफ़ी बड़ा शहर है। तो ये हमारे ड्राइवर साहब और गाड़ी को रेडी कर रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा गाड़ी का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है यहाँ पे। और ये है वो होटल जहाँ हम रात रुके थे, रात में आपको दिखा नहीं पाया था ठीक से क्योंकि अंधेरा हो गया था। होटल माउंट पैंडिम लाचीन नॉर्थ सिक्किम, ये जी पूरा लाचीन। बाकी होटल्स वगैरह बहुत हैं यहाँ पे। गाड़ी रेडी हो गई है, सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं इधर गुरु डोंगवर लेक के लिए। तो गाड़ी रेडी हो गई है, सामान रख दिया है, निकलने की फुल तैयारी है, चलिए चलते हैं। तो गाइस होटल से हम लोग निकल चुके हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये पूरा लाचीन है, दोनों तरफ होटल्स वगैरह बने हुए हैं, पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए ही बसाया गया है लाचीन को। इसके अलावा यहाँ और कोई काम नहीं होता है स्पेशल, होटल्स वगैरह हैं, रिजॉर्ट्स हैं और फूड के लिए ढाबे वगैरह बने हुए हैं। आसपास में जितनी भी गाड़ी देख रहे हैं सब टूरिस्ट की गाड़ी है, और आज यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हम लोग गुरु डोंगमर लेक के लिए निकल गए हैं, रास्ते में थांगू वैली पड़ेगा, वो भी दिखाएंगे, और बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सब चीज़ें कवर करते चलेंगे। लाचीन और लाचुंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की ना सरकार ही अलग है, भारत सरकार का या सिक्किम के मुख्यमंत्री का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सिक्किम के इस हिस्से में ना धारा 371 लगी हुई है, और यहाँ का जो शासन है ना, यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है, जिसका भारत सरकार से भी कोई मतलब नहीं है। अपने रूल, अपने लॉ एंड ऑर्डर्स, अपने रूल, अपना कानून, सब कुछ यहाँ पर अलग है। जी थोड़ी थोड़ी स्नो दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, तो पूरी तरह से कह सकते हैं ना सिक्किम का ये हिस्सा देश से अलग है, कटा हुआ है। अब ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत, ये पुल है लोहे का, और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी थांगू वैली के लिए। लाचीन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर याथांग आएगा, और याथांग से 5 किलोमीटर की दूरी पर थांगू वैली है। हमारे लेफ्ट में खूबसूरत वाटरफॉल है, और पहाड़ों पर ना अब बर्फ़ दिखाई देने लगी है अच्छी खासी, और जितना हम आगे जाएंगे रोड पर भी बर्फ़ मिलेगी, और पहाड़ों पर तो बस क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारे होने वाले हैं। इसके अलावा लद्दाख से मैं तुलना लाचीन की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो रास्ते आगे हमें मिलेंगे ना, वो लद्दाख से कम नहीं है। जैसे रास्ते लेह में, लद्दाख में हम लोग देखते हैं, पेंगोंग लेक जाते वक्त देखते हैं ना, कुछ वैसे ही रास्ते हमें आज देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो एपिसोड को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। आपको सिक्किम में लद्दाख हम घुमाने वाले हैं। वेदर आज क्लियर है, बादल नहीं है, तो उम्मीद है कि आज मौसम अच्छा रहेगा, बारिश नहीं होगी, टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप भी रहेगी तो भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अभी आ गया है एक और खूबसूरत लोहे का पुल, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी एरिया है ना,
सब बीआरओ के अंडर कंट्रोल है और ये रास्ता गुरु डोंगबर लेक होते हुए ना चीन तक जाता है। तो कह सकते हैं कि बॉर्डर एरिया है तो पूरी तरह से बीआरओ के अंडर कंट्रोल है। आर्मी जगह जगह तैनात है, उनके कैंप बने हुए हैं, तो सभी जगह वीडियो में शूट नहीं कर पाऊंगा। याथांग हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये जो जगह है याथांग है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने का फ़ायदा ये है कि कुछ फूड के लिए रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो ब्रेकफास्ट अगर करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि कारण ये है कि गुरु डोंगबर लेक के लिए लाचिंग से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ना उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि दूरी है 65 किलोमीटर, और 65 किलोमीटर जाना, घूमना और फिर वापस आना, ये सब करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर रुकने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और हम लोग भी नहीं रुकेंगे। याथांग से 5 किलोमीटर की दूरी पर थांगू वैली आ जाएगी। थांगू वैली की तरफ ही हम लोग बढ़ रहे हैं। थांगू वैली में ही ना चेक पोस्ट भी है, जो परमिट हमने इशू कराया था गैंगटॉक से, वो परमिट यहाँ पर चेक होगा। परमिट वगैरह का लफड़ा बहुत होता है, इसलिए हमने पैकेज बुक किया था। अब सारा हेडेक उन्हीं का है, वो ही सब कुछ करेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थांगू वैली। यहाँ चेक पोस्ट है, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट टोसा पॉइंट भी है यहाँ पे, ये थांगू वैली है। तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डोसा पॉइंट। ये मेन्यू है, डोसा ऑर्डर कर देते हैं। तो वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट पर हम लोग मौजूद हैं, डोसा मंगाया है हम लोगों ने। तो चलिए जब तक डोसा प्रिपेयर होता है, मैं आपको यहाँ से कुछ खूबसूरत व्यू दिखा देता हूँ। सामने टैक्सी वगैरह सब खड़ी हुई हैं, डोसा पॉइंट के बाहर मैं खड़ा हूँ, और इधर चेक पोस्ट है जहाँ पर परमिट चेक होगा। सामने पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फ़ दिखाई दे रही है। चलिए डोसा खाते हैं और फिर आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट पर डोसा खा रहे हैं। टेस्ट नॉर्मल है, अपने जैसा नहीं है, बट अच्छा है। थांगू वैली से हम लोग निकल गए हैं, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, डोसा खा लिया है, और थांगू वैली से करीब 30 किलोमीटर है गुरु डोंगबर लेक। अब ये गांव देखिए कितना खूबसूरत गांव है, बहुत अल्टीमेट नज़ारे। वेदर पूरी तरह से क्लियर है, पूरा नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ना एक पॉइंट आता है जहाँ से एक रास्ता चोपटा वैली के लिए डाइवर्ट होता है लेफ्ट हैंड पर, जो आगे काला पत्थर तक जाता है। ये है चोपटा ब्रिज। यहीं से आगे लेफ्ट हैंड पर एक रास्ता डाइवर्ट होगा ऊपर को, जो चोपटा वैली के लिए जाएगा, और साथ में आगे काला पत्थर तक जाता है। हम लोग सीधे आ गए हैं गुरु डोंगबर लेक के लिए। अब पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फ़ दिखाई दे रही है, आप देख भी रहे होंगे, और रोड कंडीशन यहाँ पर ख़राब है। ये रोड निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगातार इस पर काम चल रहा है, जल्दी ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। अब तो ये रोड कंडीशन फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर बता रहे थे लोग, बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत ख़राब रोड था। लेकिन जो व्यूज़ है ना, रोड को छोड़िए, आप व्यूज़ देखिए, सामने पहाड़ों पर बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सूरज जो अपनी रोशनी बिखेर रहा है ना, उसकी वजह से ये व्यू और खूबसूरत हो गया है। वाकई में बहुत शानदार नज़ारे हैं। अभी आगे का 30 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल लद्दाख जैसा होने वाला है, क्योंकि चीन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितना हम आगे जा रहे हैं ना, तो समझ के चलिए कि हम चीन की ओर जा रहे हैं। और थांगू वैली के पास से चीन बॉर्डर भी बहुत नज़दीक है। अगर एरियल डिस्टेंस चेक करें तो 7-8 किलोमीटर के आसपास होगा मुश्किल से। और गुरु डोंगबर लेक जहाँ हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ तो जस्ट सामने चीन ही है, वो सब जगह आपको दिखाएंगे। आप देख ही रहे होंगे कि रोड पर अभी काम चल रहा है। अब यहाँ से ये व्यू देखिए, चारों तरफ से काफ़ी खुला खुला स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। जैसे लद्दाख की तरफ जाते हैं तब ऐसा ऑफ रोड भी देखने के लिए मिलता है, और दूर तक खुले मैदान देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही कुछ नज़ारे अब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत अल्टीमेट जगह है नॉर्थ सिक्किम। सिक्किम आइए
और नॉर्थ सिक्किम टूर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जगह बहुत बहुत लाजवाब है। अब जितना आगे बढ़ रहे हैं, ब्यूटी रोड की उतनी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। रोड की ब्यूटी नहीं, एक्चुअली जो व्यूज़ है वो खूबसूरत होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अब रोड ठीक ठाक हो गया है। अब यहाँ से ये व्यू देखिए आप, एकदम लद्दाख वाली फील दे रहा है। चारों तरफ दूर दूर तक मैदान, पहाड़, बीच में से ये पतला सा रास्ता बनाया गया है। जैसे लद्दाख हम जाते हैं तो ये सब कुछ ऐसे ही व्यू हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये मान के चलिए आपको घर बैठे हम लद्दाख घुमा रहे हैं वर्चुअली। बहुत बहुत खूबसूरत, और पहाड़ों की स्ट्रक्चर अब बदल गई है। आप जो दूर दूर पहाड़ देख रहे हैं ना, उन पहाड़ों का कलर देखिए, बिल्कुल ऐसा जैसे पेंगोंग लेक की तरफ जाते हैं तब ऐसे रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। बहुत अल्टीमेट व्यू। और अब सिक्किम का ये सफर ना और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अब हम नॉर्थ सिक्किम में आ चुके हैं। लाचीन कवर करेंगे, लाचुंग कवर करेंगे, बहुत शानदार ये जर्नी रहेगी। तो पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, शुरू से एपिसोड 1 से देखिए, आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। अब यहाँ देखिए, दूर हमें याक दिखाई दे रहे हैं, पूरा झुंड है याक का। जो लोग लद्दाख गए हैं ना, वो इस रोड को देखकर समझ रहे होंगे कि वाकई में लद्दाख जैसे रोड है। यहाँ से गुरु डोंगबर लेक करीब 15 किलोमीटर के आसपास रह गई है, और ये एपिसोड भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आगे की जर्नी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, जहाँ मैं आपको गुरु डोंगबर लेक दिखाऊंगा और चीन की सीमा दिखाऊंगा। वो एपिसोड भी बहुत शानदार रहेगा, तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अब ईस्ट के लद्दाख में हमारी एंट्री हो चुकी है, तो आगे का सफर और भी शानदार रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।